बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आप देख पा रहे हो। आप जो देख पा रहे हो वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए आज का लाइव सेशन हम चालू करते हैं। सबसे पहले आज की जो मेडिसिन है, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करूंगा और उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं लाइव चैट में जाके, नॉर्मल चैट या सुपर चैट के थ्रू, उसके मैं आपको आंसर देता हूं। आपको पता ही है। और हर दिन लाइव क्लिनिक अभी पहले रात में आती थी, अब दिन में फिर से मैंने चालू कर दी है क्योंकि रात में का समय जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करने लगा था, इसलिए मैंने दिन पर चालू कर दी है। तो चलिए आज की मेडिसिन और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है बैक पेन और मेडिसिन है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथी की मेडिसिन है बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, खासकर शियाटिका के लिए। तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि शियाटिका के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, कमर में तो दर्द रहता ही है लेकिन पैर तक जाता है अगर लेफ्ट साइड तब भी अच्छी मेडिसिन है और राइट साइड तब भी अच्छी मेडिसिन है और दोनों तरफ दर्द है तो भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। एक्चुअली में विस्कम एल्बम अगर आप लेते हैं तो जो नर्व कंप्रेशन है, जो नर्व दबी हुई है, चाहे वो डिस्क बल्जिंग के कारण हो, हर्निएशन के कारण हो या डिजनरेशन के कारण हो, वो जो दबी हुई नर्व है उसमें जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, विस्कम एल्बम उस इन्फ्लामेशन, उस सूजन को कम करता है और जिसके कारण दर्द में आपको आराम लगता है। तो विस्कम एल्बम की पिक्चर हम दिखा देते हैं, दिखाना भूल गया था। तो ये है विस्कम एल्बम और बैक पेन में मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। और विस्कम एल्बम मोस्टली 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसे लगातार यूज़ करें लगभग 3 से 4 महीने तक और धीरे 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 ये समस्या, आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हालांकि तुरंत आराम लग जाता है। साथ में चाहें तो आप आर्निका 200 2 बूंद सुबह शाम भी ले सकते हैं, जिसका मिनिमम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। तो ऐसा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो लगभग 1 महीने यूज़ करके देखिए, आराम लगे तो कंटिन्यू करिए। ये मेडिसिन बैक पेन की बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए ये थी आज की मेडिसिन विस्कम एल्बम। दोस्तों जो भी मैं मेडिसिन आपको सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्लेमर के साथ है कि जो भी मेडिसिन मैं बताऊँ उसे आप पढ़ें, समझें और फिर यूज़ करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जहाँ से मेडिसिन लेंगे और होम्योपैथिक शॉप से, वहाँ जाके ज़रूर समझिएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, सवाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर चैट ऑप्शन ऑन कर देते हैं पहले। तो एक सबसे पहला सुपर चैट है गुप्ता जी की तरफ से। सर डार्क सर्कल है 5 ईयर से है और अच्छी दवा बताएं। देखिए डार्क सर्कल अगर आपको 5 साल से है तो एक तो चाइना ज़रूर यूज़ करें, चाइना ऑफिस एनालिस्ट या सिंकोना ऑफिस एनालिस्ट 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ बर्बेरे सैकोफोलियम मदर टिंचर ये ज़रूर लगाएं। इसे आप थोड़े से गुलाब जल के साथ मिला के 20 बूंद गुलाब जल आप मिलाइए दोनों को और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगाइए सुबह शाम। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन। अगर डायरेक्टली आप गुलाब जल के साथ मिला के नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप इसका एक क्रीम आती है टॉपी बर्बेरिस क्रीम, तो उसे भी लगा सकते हैं और फिर इसे आप कंटिन्यू करें लगभग 1 महीने 1.5 महीने लेके देखें, आराम लगे तो फिर 3 से 4 महीने या 6 महीने तक इसे कंटिन्यू ज़रूर करें। लगभग 164 लोग देख रहे हैं, लाइक अभी 52 हैं। आप सभी का लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा
मदद मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज लाइक का टारगेट हम बहुत कम रखते हैं, वैसे भी मैं बहुत कम लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो 300 लाइक का टारगेट रखते हैं। लाइव के दौरान 300 लाइक आप लोगों के ज़रूर हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है सर, एक सवाल है सर, कैन आई टेक कैलेडियम 1000 विथ योर 5x फार्मूला? देखिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलेडियम 1200 दो बूंद शाम को ले लीजिए, 5x कॉम्बिनेशन आप सुबह शाम ले लीजिए। हालांकि 5x फार्मूला सफिशियंट मेडिसिन है, तो वो भी अगर आप सिंगली एक ही कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तब भी अच्छा काम करेगा 5x पावरफुल फार्मूला। एक सवाल है और ये सवाल है सर, एलर्जी स्किन के लिए भी मेडिसिन बताएं सर। देखिए एलर्जिक स्किन है, रैशेस हैं, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ ही साथ आप एस्टेगस फ्लेविया टेलिस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ आप रक्सटॉक्स 200 दो बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है सर, नाक में थिक म्यूकस हमेशा बना रहता है और म्यूकस जो है बाद में थ्रॉट में भी आ जाता है। देखिए आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है, और ऐसे में मुझे लगता है पोस्ट नेजल ड्रिप की जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए स्टिक्टा 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम, और साथ में काली वेस्ट 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा काम करती है, और काली म्यूर 6x ट्रैचुरेशन टैबलेट में लगभग 2 गोली सुबह दोपहर शाम आप चूसें, लगभग 2 या 4 गोली भी चूस सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैलेसीमिया के लिए मेडिसिन बताएं। देखिए थैलेसीमिया माइनर है या मेजर, इस पर बहुत डिपेंड करता है। थैलेसीमिया में TNT-30 नाम की मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत अच्छा वर्क करती है, तो TNT-30 आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप 15-20 दिन तक लें, आराम लगे तो इसे 1 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, मुझे ड्राई आइस की प्रॉब्लम है। देखिए ड्राई आइज में सेनेगा मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें और पीना है, और साथ में आप ब्रायोनिया 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, ज़रूर यूज़ करिएगा। और सिनेरिया मार्टिम आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल का डॉक्टर रेक्वेक का अगर मिल जाता है तो आँखों में 2 बूंद सुबह शाम ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हिप के ऊपर कमर के सेंटर में कुछ दिन से पेन हो रहा है और सोचते हुए मेडिसिन सजेस्ट करें। देखिए सिंपली आप आर्निका 200 और विस्कम एल्बम 30 ये दोनों को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, और रोमाकोन ऑयल ये ऑयल आता है, इसे आप दिन में 3 से 4 बार लगाएं। बस ये 2 मेडिसिन यूज़ करें, कॉम्बिनेशन और रोमाकोन ऑयल, और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और एंग्री की खांसी, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, नेक में दर्द के लिए मेडिसिन बताएं। देखिए नेक में अगर दर्द बना रहता है तो आर्निका 200 दो बूंद सुबह दोपहर शाम, और साथ में रूटा 200 दो बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। स्पॉन्डिन ड्रॉप आप ज़रूर पिए, स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर पिए, और मेडिसिन आप लगभग 1 महीने तक लें, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है और ये सवाल है जी सर, हेयर लॉस के लिए मेडिसिन बताएं। देखिए हेयर लॉस की अगर समस्या होती है तो एक अभी मैंने कुछ दिन पहले एक हेयर केयर
फॉलिंग टैबलेट के बारे में आपको जानकारी दी थी, वो टॉप टैबलेट बहुत बढ़िया है। हालांकि मेरा क्लार्क एयर कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे बनाना पड़ेगा, आपको टैबलेट बनी बनाई मिल जाएगी। तो एक गोली सुबह दोपहर शाम ज़रूर चूसें, और साथ ही साथ आप ज़ैबोरेंडी ऑयल वीजल का आप सुबह शाम ज़रूर लगाएं। ये मेडिसिन आप एक महीने तक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिराज शेख जी का सवाल है, सर 10 मंथ किड है और दुबला पतला है, वेट गेन करने के लिए। देखिए, वेट गेन करने के लिए बच्चे को, और लगभग 10 महीने का बच्चा है, तो उसे सिर्फ बेबी टोन ऑफ सिरप दीजिए, अगर वो मिल जाए तो। बेबी टोन ऑफ सिरप लगभग मान लीजिए कि लगभग 2 ml सुबह शाम दीजिए, बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। इससे बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने के लिए नहीं, भूख अच्छी लगेगी और अच्छे से खाना पचेगा तो वज़न बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए बेबी टोन अप सिरप बहुत ही बढ़िया सिरप है, ज़रूर यूज़ करिएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सवाल है, और ये सवाल है, सर बाल गिरने का है, और सर मैं लगभग 8 साल से जो है वो क्वेश्चन पूरा निकल गया है। होम्योपैथिक मेडिसिन लिया, फिर नया बाल आ गया था, पर जैसे ही 1 महीने के लिए दवा बंद किया तो फिर से बाल झड़ने लगे। देखिए, तब तो आपको वही मेडिसिन लेनी चाहिए जो आप ले रहे हैं। मेडिसिन बंद मत करें, मेडिसिन लगभग 6-7 महीने और कंटिन्यू करें और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये टेस्ट जी का सवाल था, थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सिंह जी का सवाल है, सर 40 मेल सेटिंग जॉब है, सफरिंग फ्रॉम टेल बोन पेन। ठीक है, सेटिंग जॉब है तो सबसे पहले अपनी चेयर चेंज करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो अच्छी चेयर यूज़ करें, अलाइनमेंट उस चेयर का अच्छा होना चाहिए, बहुत डगमगानी नहीं चाहिए, और तभी आपका प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। उसके बाद आप मेडिसिन भी लें, आर्निका 200 और रूटा 200 दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और साथ में बेलाडोना 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। और 80 टैबलेट एंटी ट्रोमेटिक टैबलेट आती है, हालाँकि वो मोस्टली और भी कामों में आती है, लेकिन टेलबोन पेन में मैंने देखा है उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो 2 गोली SBL की 80 टैबलेट सुबह दोपहर शाम चूसें, और रूमाटोन ऑयल हल्के सा लगाएं सुबह दोपहर शाम। रूमाटोन आप लगाएं या ना लगाएं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत आराम के लिए है बस। हो बाकी मेडिसिन ज़रूर कंटिन्यू करें, और सबसे पहले चेयर चेंज करें। एक सवाल है, और सवाल है वेरिकोसील की प्रॉब्लम है विन जी का। देखिए, वेरिकोसील पे मेरा वीडियो है, आप देखिए, उसमें दी गई मेडिसिन लगभग 15 दिन लीजिए, आराम लगे, मतलब सोनोग्राफी कराइए 15-20 दिन बाद, फिर से एक बार पहले सोनोग्राफी कराइए कितना बड़ा वेरिकोसील है, फिर उसके बाद फिर 15-20 दिन मेडिसिन लीजिए और फिर सोनोग्राफी कराइए कितना बड़ा वेरिकोसील है, और फिर मेडिसिन अगर आपको फ़ायदा करता है तो मेडिसिन लगभग 6-7 महीने कंटिन्यू करिएगा, और 6-7 महीने में एक बार ज़रूर सोनोग्राफी ज़रूर कराइएगा। तो सर, आपका लाइव लगभग 4 साल से मैं देख रहा हूँ, सर रोज़ दिन में देखता हूँ, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, थैंक यू सो मच। 4 साल, हाँ 4-5 साल तो हो गए मुझे लाइव करते हुए, तो 5 साल से मैं रेगुलर अभी लाइव कर ही रहा हूँ हर दिन। और एक सवाल है लगभग 200 कुछ लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक अभी 138 हैं, और आशा करता हूँ कि 300 का लाइक का जो टारगेट है वो आप लोग ज़रूर अचीव करा देंगे। एक सवाल है, और ये सवाल है, सर प्लीज़ प्रोस्टाइटिस है मेडिसिन बताएं। देखिए, प्रोस्टाइटिस में जो है मोस्टली एक मेडिसिन प्रोस्टिनम ड्रॉप नहीं, आप R25 यूज़ करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। R25 लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और पेरेरा ब्रेवा मदर टिंचर अरग से भी ले सकते हैं लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और कैंथेरिस 200 2 बूंद शाम को, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन, लगभग 10-15 दिन तक लेके देखें, आराम लगे तो फिर इसे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टमक पेन
इसके लिए मेडिसिन बताएं। देखिए स्टमक पेन है तो आप मेरा स्टमक पेन कॉम्बिनेशन जिसमें मैकफॉस 1 mg और कोलोसेंथ 1 mg को आपको मिलाना है और 2 बूंद अगर पेट में दर्द है तो पी लीजिए। अगर गैस, एसिडिटी, पेट फूलने के कारण या थोड़ा सा मरोड़ है तो ये ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर सोनोग्राफी करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और सवाल कहाँ है, अभी 15 मिनट्स हो गए हैं लगभग। और सवाल है सर BHMS के लिए क्या करें। देखिए BHMS आप करना चाहते हैं तो पहले 12th तो बायोलॉजी से होना चाहिए, फिर नेट जो है नेट में नंबर अच्छे आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं जो है वो BHMS मिल जाता है। तो बस आपको इतना ही करना है। प्राइवेट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिल जाता है। हालांकि अब काउंसलिंग हो चुकी है BHMS की, यहाँ की MP की तो काउंसलिंग हो चुकी है इस साल की। एक सवाल है और ये सवाल है, हेलो सर, राइट लेग में CRT का पेन आता है, कौन सी मेडिसिन लें। देखिए राइट लेग में अगर CRT का पेन आ रहा है तो आप सिंपली वही मेडिसिन लीजिए, आर्निका 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, विस्क मेलबम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, मेडोराइनम 200 2 बूंद रात में, और कोलोसेंथ मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर, रूटा मदर टिंचर, ये तीनों को आप बराबर मात्रा में मिलाइए। मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इससे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है, थैंक यू सो मच सर, सर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, लक्सेटिव से भी पेट साफ नहीं होता है, प्लमिंग मेटेलिकम और ब्रायनिया 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में ओपियम 200 CH पोटेंसी में, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और डाइल्यूशन में है, तो 2 बूंद शाम को आप यूज़ करें, इससे पहले उसे पढ़ें ज़रूर, और बाकी आप प्लम्बम और ब्रायनिया कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाने पीने में नॉनवेज या प्रोटीन वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक सवाल है और ये सवाल है सर, एंजाइटी, पैनिक अटैक और घबराहट और हैवीनेस चेस्ट में रहता है। देखिए मोस्टली इसके लिए रेस्क्यू रेमडी 30 और एकोनाइट 30 दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, साथ में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में रात में 1 बार ज़रूर लें, और ट्रैंक्यूल टैबलेट 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेडिसिन आप कंटिन्यू कर भी सकते हैं लगातार, धीरे धीरे आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और सवाल है विवेक जी का, सर मेरी मम्मी की एज लगभग 74 है और उनको जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और कुछ मेडिसिन बताओ उनको। दिन में लगभग 4 से 5 टाइम जो है वो मोशन जाना पड़ता है और आँव भी पड़ती है और ब्लीडिंग भी होता है। देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्टली हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर पिए, और साथ में आप नक्सवोमिका 200 2 बूंद शाम को लें, और साथ में आप मर्कॉट 30 2 बूंद सुबह शाम उन्हें ज़रूर दें। तो ये 3 मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, और यही मेडिसिन कंटिन्यू करें, धीरे धीरे उनकी समस्या जो है वो काफ़ी हद तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है और ये सवाल ले लेते हैं, कहाँ है, ड्राइनेस और इचिंग के लिए मनी जी का सवाल है। देखिए ड्राइनेस और इचिंग की अगर समस्या है तो क्रियोजोट बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, क्रियोजोट 30 CH पोटेंसी में 1 बूंद सुबह शाम यूज़ करें, और साथ में आप कैंथेरिस 200 2 बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और सर मैं MD आलम पटेल नागपुर
नगर से, पटेल नगर से हूँ। मुझे एक साल से खुजली की प्रॉब्लम है। आप सल्फर 32 बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे और डेली हिस्टामिनम 32 बूंद सुबह शाम यूज़ करें और रूमैक्स 32 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सवाल है सर, बहुत सर क्रैम्स इन द लेग एट बेड टाइम, क्या मैकफॉस 6X और क्यूप्रम मेटेलिकम? देखिए मैकफॉस, क्यूप्रम मेटेलिकम और कैमोमिला ये तीनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो लगातार आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आयुष गुप्ता जी का एक सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। और एक सुपर चैट है हेल्दी भारत जी का, सर सेम डे काली आयोड 3X और 200 क्या ले सकते हैं? देखिए लेने से काली आयोड का असर थोड़ा कम हो सकता है, तो लेने का फ़ायदा नहीं है। आप एक ही पोटेंसी लें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बोथ हैंड जो है, बोथ हैंड में फोर आर्म में पेन और निडल लाइक सेंसेशन होता है, मोस्टली लीडम पाल इस टाइप के सेंसेशन के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। लीडम पाल यूज़ करके देखें, 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये मेडिसिन लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करके देखें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हिपरसल्फ लेने से पस एक्ने ख़त्म नहीं हो रहे हैं? देखिए हिपरसल्फ लेने से अगर पस और एक्ने कम हो रहे हैं तो मेडिसिन कंटिन्यू करें और साथ में आप पैराजेनम 200 तो गुण सुबह सुबह ऐड कर लें। एक सवाल है और ये सवाल है सर, वाइट स्पॉट के लिए आर्सल फ्लेवम 30 या 3X में से लेना चाहिए? 3X अगर आपको 4X मिलती है मोस्टली डॉक्टर रेक्वेक की तो वो बहुत बेहतर रहती है। 3X की से ज़्यादा बेहतर डॉक्टर रेक्वेक की 4X है, आर्सल फ्लेवम 4X। एक सवाल है सर, नेक पेन बैक पेन की मेडिसिन बताएं। देखिए नेक पेन और बैक पेन में आर्निका 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम और विस्कम एल्बम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो लगातार आप यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल है सर एलर्जिक, हाँ सर मैं और म्यू नेटल टर्म 3X और ओवरी ट्रबल ले रही थी, मेरे टू पीरियड टाइम पर आया, अब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है ओवरियन ट्रबल्स के लिए अगर PCOD की प्रॉब्लम है तो ऑरम या नेट्रोनेटम आप लेते रहें, उसके कारण कोई समस्या नहीं है। मोस्टली आपको PCOD के कारण हार्मोनल चेंजेस, सही समय पे सही हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं जिसके कारण आपका पीरियड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पल्सेटिला 200 तो बूंद सुबह सुबह यूज़ करें हर संडे और वेनेसडे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छी मेडिसिन, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाइट की मेडिसिन, देखिए अगर आपकी उम्र 18-19 से ज़्यादा ना हो तो आप राइट हाइट टैबलेट 1 गोली सुबह दोपहर शाम चूसें और साथ में बराटा कार 200 CH पोटेंसी में 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है और ये सवाल है सर, नेज़ल साउंड प्रॉब्लम है। देखिए नेज़ल साउंड आती है खासकर रात में, घर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मोस्टली एंटियम टार्ट बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है। एंटियम टार्ट आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें और WL-45 ड्रॉप आती है वीजल का, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप है और WL-45 ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के
बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल ये इसी कारण ऐसा लगने लगता है, सुस्ती आ जाती है एसी में हमेशा, और एसी चलाना पड़ता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा जो है एक सवाल है और ये सवाल है ऐसा, कॉन्स्टिपेशन है और ओपियम क्वेश्चन निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। एक्सेसिव फेशियल हेयर अगर मेल में है तो इसकी कोई दवा नहीं है, अगर फीमेल में है तो ऑलियम जैक बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है। ऑलियम जैक 3x सैचुरेशन टैबलेट में 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसें और साथ में 2000 तोबुन सुबह सुबह यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।